सड़कों पर शनिवार रात हुई एक सनसनीखेज घटना में पूर्व विधायक और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनकी कड़िया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को संदेह है कि सिद्दीकी की हत्या उनके सलमान खान से करीबी रिश्तों की वजह से की गई है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी और बिश्नोई गैंग के साथ संभावित कनेक्शन की जांच जारी है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुंबई कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बाबा सिद्दीकी के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है, उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा, हमारी वेदनाएं उनके परिवार के साथ है। वहीं बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। वहीं शिवसेना यूबीटी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर मुंबई में पूर्व विधायक और मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? फडणवीस और गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी अपने पद से हट जाना चाहिए। दुबे ने कहा कि मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, लेकिन अपराधियों को किसी का डर नहीं है। बीजेपी और महायुति की नीतियों ने राजनीति को बदनाम कर दिया है। बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सिद्दीकी की हत्या के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या सलमान खान से उनकी दोस्ती इस वारदात का कारण बनी, इस एंगल से भी जाँच की जा रही है। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।